して、मेरे चंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। आज मैं दाजाई फ्तिन मंगु नामक एक मंदिर में आई हूँ। ये मंदिर मेरा प्रीफेक्चर कोका प्रीफेक्चर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और अब जापा में पतझड़ का मौसम है, इसका मतलब है पेड़ों की पत्तियां लाल हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को वो भी दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो शुरू करें। यह है दाजाइफ स्टेशन। अगर आप ट्रेन से यहाँ आते हैं तो यही स्टेशन से आप पैदल दाजाइफ टेम्पल मंदिर तक जा सकते हैं। ठीक है, आज तो मैं मेरी माताजी के साथ गाड़ी से यहाँ आई हूँ, तो स्टेशन इस्तेमाल नहीं किया। चलो चलते हैं पैदल दाजाइफ टेम्पल तक। ये उमेगाए मोची नामक एक जापानीज मिठाई है। चलो घूमने से पहले कुछ खा लेते हैं। ये मेन्यू है। ये नॉर्मल ग्रीन टी है, मुफ्त में देते हैं। ये है उमेगाए मोची और मच्चा ग्रीन टी का सेट है। いただきます। पहले ग्रीन टी पीऊंगी। ग्रीन टी ये पीने का तरीका है, मुझे भी ठीक से पता नहीं है। ऐसे ऐसे घुमा के पीती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है, तो सिर्फ पीऊंगी। बहुत अच्छा है, मीठी नहीं है, बहुत ही कलुआ है लेकिन बहुत ही अच्छा है। ये बिल्कुल थिक वाला ग्रीन टी है। ग्रीन टी बनाते हैं और उसके बाद ऐसे ऐसे करके होप्स बनाते हैं, तो बहुत सॉफ्ट लगता है पीने से। और ये उमेगाए मोची है, अंदर स्वीट बीन्स है। いただきます। ये सफ़ेद वाला ना, ये चावल है। चावल को ऐसे ऐसे माश करके ऐसे मोची बनाते हैं, और इसके अंदर लाल वाला है ना, वो मीठी दाल है। तो ये बिल्कुल पारंपरिक जापानी मिठाई है, बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा था। इस रेस्टोरेंट का टॉयलेट में दिखाना चाहती हूँ। अति सुंदर शौचालय। पानी की आवाज़ बहुत ही अच्छी है क्योंकि सुसु की आवाज़ को मिटा सकती है ना? चलो दाजाइफ टेम्पल चलते हैं। जो है ये मोमीजी के पेड़ है, तो ये इसकी पत्तियां नवंबर और दिसंबर में लाल हो जाते हैं। इसको कोयो कहते हैं, मोमीजी नो कोयो। तो बहुत सुंदर है। अगर आप नवंबर या दिसंबर में जापान आते हैं तो ज़रूर कोयो देखिए। ये सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत तरह तरह की जगहों में ये देख सकते हैं। ये पतझड़ का एक सिंबल है जापान का। ठीक है,
フォーチュンスリップ、おみくじ100円。いえ、おみくじへ、フォーチュンスリップ2019 last おみくじへ、あくりおみくじめんトライカルンギメリーキスマットケイシーへ、そういえんだおきの。OK、 たらーメラフォーチュンスリップ、あおみくじめんコルンギ、だらんだらんだらんだらんだ、中吉中吉。ये पेड़ बहुत ही बड़ा है, सोचा जाता है कि ये 1000 साल से ज्यादा जीता है। मैं इसका बढ़ाई मैं दिखाऊंगी। अरे ये क्या है, छत के अंदर से पेड़ निकलता है क्या? ये इस मंदिर में गाय भगवान के रूप में माना जाता है, भगवान का एक पद अवतार है, तो इसी गाय को छुएंगे तो इसी भाग वो शरीर के भाग अच्छा हो जाता है। अगर दिमाग को छुएंगे तो दिमाग अच्छा हो जाता है, तो मैं दिमाग छुएंगी ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब मेरा पूरा शरीर अच्छा हो गया होगा। ठीक है। ये किरीन नामक एक जंगल है, ये जंगल चीनी की एक कहानी में आता है। जापान में बहुत चीजें चीनी से आई हैं, इसलिए किरीन भी ये श्राइन मंदिर में सजाया जाता है। अरे ये तो स्टारबक्स है, लकड़ियों की डिजाइन बहुत ही अच्छी है ना। ये ताई नामक एक मछली है, ये जापान में सौभाग्य माना जाता है। जापान में एतो यानी जोडियक चलता है, 12 साल को एक साइकिल मानते हैं। एक एक साल में एक एक जंगल इसी साल को रिप्रेजेंट करता है। 2019 का एतो जंगली सुअर था, जापानी में इनोशिशी कहते हैं। और 2020 का एतो चूहा है, नेजुमी कहते हैं जापानी में। मार्च में हिना मत्सुरी नामक एक फेस्टिवल होता है, इंग्लिश में डॉल्स फेस्टिवल कहते हैं। इस फेस्टिवल में लड़कियों की स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। तीन बजने वाले हैं और अभी तक लंच नहीं किया, तो अब लंच खाऊंगी। こんにちは。ये सोबा नामक जापानीज नूडल है, और ये है टेम्पला, टेम्पला पकोड़े जैसे हैं। बेंगन का टेम्पला। お店の天ぷらはカリカリしてて美味しいですね。めちゃプリプリ。
आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब यहाँ तो दो तीन बार आ चुके हैं, फिर भी इसी मौसम में आकर पतझड़ लाल लाल पत्तियाँ देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और खाना भी बहुत ही अच्छा था। मुझे पता नहीं था इसी रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छी है, क्योंकि चलते चलते बस एक दुकान रेस्टोरेंट मिल गई तो वहाँ घुस गए हम लेकिन बहुत ही वो फूड का वो क्वालिटी बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है? मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, माता ने, बाय बाय।